दोस्तों 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 यार मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक निब्बा अपनी निब्बी के लिए चॉकलेट लेके गया, लेकिन वो चॉकलेट वो खुद खा गया। पता है क्यों? क्योंकि बच्चा है यार, बच्चे दूसरों का चॉकलेट खुद खा जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले दो अजीब से निब्बा निब्बी, नंदिनी राजपूत और तप्पू पारमार। भाई एक वो था तप्पू सेना का तप्पू, और एक ये है क्रिंज सेना का तप्पू। क्या मुजरा हो रहा है इधर? तो आओ यार देखते हैं इसके कुछ अजीब से रील्स। तो अभी मैं आ गया हूँ इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर, 1.7 मिलियन फॉलोअर्स। अमेजिंग। पर सिर्फ इसके फॉलोअर्स के नंबर ही अमेजिंग है, अदरवाइज अगर तुम इसके रील्स देखोगे तो तुम्हारे मुंह से अमेजिंग नहीं टट्टी निकलेगा। ये तो टट्टी है। खुद की इज्जत प्यारी है तो दूसरों की पूरी जिंदगी। भाई यार इंडिया का फ्यूचर सच में यार खतरे में है। मतलब क्या क्या देखना पड़ रहा है भाई, ये का बवासीर बना दिया हो। जैसे हुआ क्या, एक चूजा इस चूजी से टकराया, तो इस चूजे ने इस चूजे को जमीन से टकरा दिया। ए यो व्हाट द, तालियां बजती रहनी चाहिए भाई इनके इस खुतियापे के लिए। ऐसे ही लॉजिकल वीडियो देखने के बाद ना भाई मेरे मन में इतना इरिटेशन होता है कि मेरा मन करता है यार कि मैं अपने मोबाइल में ही मार दूं। सच में टूट गया भाई, सच में टूट गया। नहीं मारना चाहिए था यार। अब आए ना लाइन पे। निब्बा निब्बा नदी में हाथ में पकड़ी फड़फड़ाती मछली की तरह है, जिसे ना छोड़ सकते हैं और ना ज्यादा देर तक पकड़ सकते हैं। उसको सांस तो लेने देवे। एटीट्यूड देख रहे हो भाई बंदे का, जिस उम्र में स्कूल में होमवर्क दिखानी चाहिए उस उम्र में एटीट्यूड दिखा रहा है। बोले बेटा मस्ते नहीं बंदा रख दिया और लड़के के साथ। भाग भाग भाग। यहाँ पर कैप्शन में लिखा है आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? भाई इस उम्र में मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मेरे को खुद याद नहीं है। और इनका ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप सब हो गया। मैं दुनिया हिला दूंगा। बंदी के अकाउंट में लिखा है अकाउंट मैनेज बाय मॉम। कहा से यार इनके मम्मी का आईक्यू डेवलप हो गया होता। साफ पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर। हमको पैसा चाहिए। एक्चुअली ये जो आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो गए ना, मैं तुम्हें बताता हूँ यार कि पहले के बच्चे और अभी के बच्चों में क्या अंतर है। सन 2000 में इंटरनेट के अभाव में बच्चे पकड़म पकड़ाई छुपा छुपी और कित कित जैसे गेम खेल रहे थे। मोबाइल के नाम पर उनके पास चल छैया छैया वाला मोबाइल था और वीडियो गेम के नाम पर बैटरी से चलने वाला ये वीडियो गेम। लेकिन इन सब के बावजूद जिंदगी हसीन थी। पर 2016 में जियो के आने और 2020 में टिकटॉक के बैन होने के बाद बच्चे और दुनिया दोनों ही चेंज हो गए। जहाँ पहले के बच्चे 2-3 रुपए के लिए तरसते थे, वहीं आज के बच्चे आईफोन खरीदने लगे। यार इस उम्र में यार मैं चल छैया छैया वाला मोबाइल चलाता था, 2-3 रुपए के लिए तरसता था, और ये 1.5 लाख वाला आईफोन खरीद रहा है और साथ में गर्लफ्रेंड भी है। जस्ट इमेजिन कि यार एक स्टूडेंट जिसने अच्छे से पढ़ाई की, दिन रात पढ़ाई करने के बाद 22-23 की उम्र में उसे डिग्री मिली और साथ ही में 50,000 की नौकरी। वो बंदा खुश, उसके फैमिली वाले भी खुश, 2-3 साल में सैलरी 80,000 भी हो जाएगी। लेकिन फिर वो इंटरनेट पे आता है और देखता है कि 10 साल का बच्चा क्रिंज फैलाकर 1.5 लाख का मोबाइल ले रहा है। अब मेरे को ये बताओ क्या वो बंदा खुश रहेगा? नहीं, he will be like बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। Now guys इस IPL के दौरान तुम अपने ओपिनियन देके काफी अच्छे पैसे जीत सकते हो lotus365.in पे। यहाँ काफी सारे क्वेश्चन है कि कौन मैच जीतेगा, कौन मैच हारेगा, कौन टॉस जीतेगा, मतलब इस तरीके के 50 से ज्यादा क्वेश्चंस है। सो lotus365 पे जाके रजिस्टर करो और पाओ 365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर का कस्टमर सपोर्ट और यहाँ पर 10 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। क्रिकेट के अलावा भी 200 से ज्यादा गेम्स है जहाँ पर तुम अपना ओपिनियन देख के पैसे जीत सकते हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी, ये सब इनके ब्रांड एम्बेसडर है। सो जाके डायरेक्ट रजिस्टर करो lotus365.in पे। चलो 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 देख होगी तना भड़क। बंदा गिर गया। अरे बच्चे गलती तेरी नहीं है, तेरा ये कंटेंट देखने के बाद मेरा ब्रेन सेल भी बिल्कुल ऐसे ही टूट के गिर रहा है।
ओ मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे, तेरी नजर की गोली मेरे दिल पे गिर गई रे। मस्त इस बंदे का यार रिएक्शन देखो। Why are we still here? और कहा कि मस्त जवानी, भाई जवानी एटलीस्ट आने तो दो, फिर जाकर दीवाने हो जाना। अभी पढ़ाई में दीवाने होने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। और इस येलो शर्ट वाले बंदे को यार समझ ही नहीं आ रहा यार कि करना क्या है। वो भी सोच रहा यार कि स्कूल में पढ़ाई समझ नहीं आती, यहाँ पर डांस समझ नहीं आ रहा, अब मैं यार करूँ क्या, मुझे अपने घर जाना है। बहन है वो हमारी, वैसे डर के क्यों बोल रहा है? तुमने बताया नहीं इतने सारे साले है मेरे। अबे हंस कैसे रहा है भाई? वो क्या है कि आपकी बहन पे दिल आ गया। अच्छा एक्सप्रेशन तो भाई एकदम डेंजर वाला देता है। दिल भी आ गया है और डायपर चेंज करने का टाइम भी। असली मजे तो यार बच्चे और बड़े लोग ले रहे हैं, वरना बाकी लोग तो रील देखकर ही काम चला रहे हैं। और तेरे जैसे लोग का उन रील्स को रोस्ट करके। वैसे तुम जो ये इसके इतने रील्स देख रहे हो, ये बंदा खुद नहीं बना रहा इसके ये रील्स, इसके अंकल सिगरेट फूक के मैनेज करते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? अब समझ आया कि यार बच्चा पालतू के रील्स बना क्यों रहा है। अब जब मैनेजर ही ऐसा है तो प्रोडक्ट ऐसा होगा ही। एक्चुअली बच्चे बिगड़ नहीं रहे, उनको इनके द्वारा बिगाड़ा जा रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? वो भाई गाल पे टैटू बना रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नाम दिल रख दिया धड़के। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा हुआ भाई कि ये मजाक था, वरना अगर सच में टैटू रहता तो तू सबके लिए मजाक बन जाता। और तेरा ये वीडियो इतना फनी है कि भाई मेरे को मन कर रहा है कि ये चाकू नहीं है, ये पेन है, उसे अपने गले में मार लूं। ओह रोज दे रही है भाई तीन लड़कों को। ओके अच्छा इसको दे दी। ओके उस पे स्टिंग डाल दिया। एटीट्यूड तो देखो भाई, पी भी रहा है स्टिंग। यही होता है स्कूल ना जाने और हद से ज्यादा किंडर जॉय खाने का नतीजा। स्टिंग को दारू की तरह पी रहा है भाई। तेरे को मैनेज करने वाले ने अगर सिगरेट फूकने और ऐसे मिडिल फिंगर दिखाने के अलावा अगर टीवी देखा होता तो पता होता यार कि बच्चों के लिए स्टिंग नॉट रिकमेंडेड है, और साथ ही में इसके वीडियो भी। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मत करो मुझसे दोस्ती। अच्छा तो रहने दो। ओ भाई अबे मेरे नन्हे चमगादड़, तेरा एटीट्यूड और तेरा नाड़ा दोनों लटक रहा है, जाके पहले उसको संभाल। गजब बेइज्जती है। सामने वाली केटीएम का इंजन भी तेरे से बड़ा है। वैसे यार किसी ने सही कहा है कि निब्बा निब्बियों का प्यार और चाइना का प्रोडक्ट ज्यादा दिन तक नहीं चलता। ए बाबू मान जाओ ना। ओ माड़ी का तो हुंदी रा पता नहीं लगना। गोरिल्ला बनने का कोशिश कर रहा है। बच्चे तूने सबसे बड़ी गलती मास्क लगा के ही करी। मास्क लगाने के बाद का तो नहीं पता, लेकिन मास्क हटाने के बाद पक्का गोरिल्ला लग रहा है। एक्चुअली भाई इनको स्कूल जाने की सख्त जरूरत है। माना कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, पर इन सब तो यार अच्छा ही है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। क्या हो रहा भाई? हेलो कैसे हो? एक बार धोखा देके चैन नहीं मिला, दोबारा फोन आया ना तेरा तो तेरे घर में घुस के तेरे को मारूंगी। सिर्फ मेरा है भाई। ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ यार कि इसको केटीएम के ऊपर बैठाया किसने। चला ऐसा वीडियो देखने के बाद यार मन करता है यार कि टमाटर के पेड़ पर जाकर फांसी लगा लूं। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। रियल टिकटॉक इज बैक। इस वीडियो पर 4.4 मिलियन लाइक्स है। अब पता चल रहा है यार कि मतलब देश में बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई है। 44 लाख लोगों ने इस बवासीर वीडियो के लाइक बटन पे अपना सर फोड़ दिया है। मैं तो टूट गया भाई। डार्क रियलिटी तो ये भाई कि छपरी बनने में बहुत स्कोप है। छपरियों का प्यार मिलेगा और इंटेलेक्चुअल लोगों का क्रिटिसिज्म, बट दोनों ही केस में दोनों का अटेंशन मिलेगा, व्यूज मिलेगा और साथ ही में पैसे भी। हमको पैसा चाहिए। इस वीडियो में भाई 1.5 लाख लाइक्स है। मतलब जिस उम्र में क्लास में टेबल सीखनी होती है उस उम्र में ये बंदा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम सीख गया।
साहब बस फ्रेंड्स ओके आया फ्रेंड फ्रेंड चले गए। अब समझ आया यार, अब ऐसे निब्बा निब्बी वाले रील्स बनाओगे तो दोस्त तो छोड़ के जाएंगे ही। ओ भाई लड़की आ गई। भाई तू थोड़ा ना बड़ा हो जा, फिर तेरे को रियलाइज होगा कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है। मेजोरिटी केसेस में लड़कियां छोड़ के जाती है और दोस्त मनाने आते हैं। तू समझा? साला जिस उम्र में होमवर्क मिलता है उस उम्र में इसको प्यार मिल रहा है और इनके पेरेंट्स को इनके नाम पे पैसे। अरे राजा भाई यार इतना सच भी नहीं बोलना था। इनके माँ बाप यार दूसरे ऐसे माँ बाप होंगे जो बच्चों के नाम पे पैसे कमा रहे हैं। दूसरा तो पहले कौन है? पहले वो बच्चे जो बच्चा करके पैसे कमाते हैं। वैसे यार ये बच्चे लोग हैं तो यार इनको जाकर हेट मत देना, पर चाहो तो यार इनके पेरेंट्स को कंप्लेन कर सकते हो। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये भी ठीक है। तो चलो यार डैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो को यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो का बेस्ट पार्ट तुम्हें क्या लगा वो कमेंट करके बताओ। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और लास्ट वाली वीडियो देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।